छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना स्वामी आत्मानंद इंग्लिश और हिंदी मीडियम संचालित हो रही है, जहां कुछ जगह तो सही व्यवस्थाओं में स्कूल संचालित हो रहे हैं तो वहीं कहीं अव्यवस्थाओं के बीच संचालित हो रहे हैं, वहीं कहीं प्राचार्य की लापरवाही भी सामने आ रही है। बता दें कि बेरला मुख्यालय में संचालित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम के प्राचार्य भगवत प्रसाद बानी की शिकायत बेमेतरा जिला शिक्षा अधिकारी से की गई है, जिसके बाद DEO के द्वारा एक जांच टीम गठित की गई। जांच टीम के द्वारा शनिवार को विद्यालय में पहुंचकर बारीकी से जांच की गई। साथ ही शाला विकास प्रबंधन समिति अध्यक्ष, नगर पंचायत उपाध्यक्ष, सभापति, जनप्रतिनिधि की उपस्थिति में कुछ और नए मामले भी सामने आए, जहां सभी ने एक सुर में कहा कि प्राचार्य को तत्काल यहां से हटाया जाए और जल्द नहीं हटाया जाएगा तो मुख्यमंत्री के पास शिकायत की जाएगी। यहां आत्मानंद में अभी जब से मैं देख रहा हूं, वाणी सर जब से आए हुए हैं, उनकी लगातार शिकायतें बढ़ती जा रही हैं, बच्चों के माध्यम से, पालक के माध्यम से या स्टाफ के माध्यम से कहीं ना कहीं रोज ये शिकायतें उभर के सामने आते जा रही हैं, जिसके वजह से हम लोगों को यहाँ आना पड़ जा रहा है। और अभी जो है वो जो शनिवार को ही वाली बात नहीं है, प्रेयर के समय में लगभग वो अनुपस्थित ही रहते हैं। पहले वो रेगुलर थे, निश्चित रूप से आ रहे थे, मगर अभी बीच में जो डिसकंटिन्यू हुए हैं और जो शनि शनिवार को उन्होंने ओडी लिया, तो ये तो वो अच्छी तरीके से बता सकेंगे कि किस कारण है और क्या खरीदी है। उनको स्टाफ के लोग बताते हैं कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो रुके हुए हैं खरीदी के लिए। तो हमारा ये कहना है कि महीने में एक ही दिन का रिक्वायरमेंट दो, ताकि ये आदमी क्लास से छोड़ के, स्कूल को छोड़ के वहाँ खरीदी कर सकें। वो शनिवार को कभी नहीं आते हैं और ओडी का बहाना लगाते हैं और कार्य के प्रति लापरवाही बरतते हैं। उसी के सिलसिले में और जांच के लिए मैं आज 7:20 से यहाँ उपस्थित हूँ और पूरे स्टाफ और बच्चों से और जनप्रतिनिधियों से सबसे चर्चा कर रहा हूँ। उनका लिखित और मौखिक दोनों प्रकार का बयान ले रहा हूँ और बयान लेने के बाद जो उसमें तथ्यात्मक जानकारी निकल कर सामने आएगी उसको जो है मैं अनुशंसा सहित जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को प्रेषित करूँगा।